सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सैमसंग मोबाइल जो 2018 का नया एंड्रॉयड पैच लेवल है, सिक्योरिटी पैच, ठीक है। और उस मोबाइल में अगर आपको FRP अनलॉक करना है तो बहुत सारे मॉडल है जो कि आप FRP अनलॉक कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रिक है, बिल्कुल न्यू ट्रिक है। और आपको ये एप्लीकेशन फाइल आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये FRP फिक्सिट फाइल, ठीक है। ये फाइल की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फाइल के जरिए से आप 2018 का न्यू मॉडल जितना भी है नया सिक्योरिटी, ठीक है, उन सभी का FRP आप जो है बाईपास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, शर्त यह है कि आपको उस मोबाइल के अंदर जाना है, जिस मोबाइल में भी सैमसंग मोबाइल को अगर आपको FRP रिसेट करना है तो आपको उस मोबाइल के अंदर किसी भी तरह से, मान के चलिए एपेक्स लॉन्चर के जरिए से या एल लॉन्चर के जरिए से आपको मोबाइल के अंदर जाना है और आपको गूगल तक जाना है। गूगल से अगर आप ऐप लॉन्चर अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं उस मोबाइल में, तो आप इस फाइल के जरिए से आप किसी भी सैमसंग मोबाइल का FRP रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आप कौन से मोबाइल के अंदर में जा पा रहे हैं और कौन से मोबाइल के अंदर में नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए J6 और J8, ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी कंफर्म कि आप जो है इस फाइल से कर पाएंगे या नहीं। अगर आप उन दोनों मोबाइल के अंदर में अगर जा सकते हैं, ठीक है, तो आप उन दोनों मोबाइल का भी FRP जो है रिसेट कर सकते हैं इस फाइल के जरिए से। शर्त यह है कि आपको मोबाइल के अंदर जाना होगा। तो जितनी मॉडल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इतने सारे मॉडल को जो आप इस फाइल से बाईपास कर सकते हैं। तो ये फाइल जो कंप्रेसर फाइल है इसे आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, इसे आपको जो है अपने SD कार्ड में डालना होगा, मेमोरी कार्ड में आपको इस फाइल को डाल देना होगा और मोबाइल के अंदर में आपको लगा देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने की ये SD कार्ड है, इसके अंदर में मैंने जो है ये FRP बाईपास फाइल डाल दिया है। लेकिन शर्त ये है कि आप जिन जिन मोबाइल में, जिन जिन मॉडल में आप अंदर जा सकते हैं ऐप लॉन्चर के जरिए से, उन मोबाइल में जो है आप FRP रिसेट कर सकते हैं इस फाइल के जरिए से। इस फाइल का कमाल यह है कि आप किसी भी जो है एंड्रॉयड वर्जन, कितनों भी हाई सिक्योरिटी हो, सबका आप जो FRP रिसेट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको मोबाइल के अंदर जाना होगा, चाहे आप कैलकुलेटर मेथड से जाएं या किसी भी तरह से जाएं, आपको मोबाइल के अंदर में जाना है। अगर आप सैमसंग J8 में या J4 में अगर अंदर जा सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, तो आप उसका भी जो है बाईपास कर सकते हैं इस फाइल के जरिए से। लेकिन आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है बिल्कुल, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो इस फाइल का जो यूज करके और किसी भी सैमसंग मोबाइल का FRP रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर देना है, और वाईफाई पर से कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो होम की है इसको आपको 3 बार कंटिन्यू दबाना है, और 3 बार जब आप कंटिन्यू दबाएंगे उसके बाद आपको L बनाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टूल बैग सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी 2018 का जो भी नया मॉडल होगा, जिस मोबाइल के अंदर में अगर आप जा सकते हैं अंदर में, और गूगल तक आपको पहुंचना है, वहां से अगर आप एपेक्स लॉन्चर या एल लॉन्चर अगर आप डाउनलोड करके मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और मोबाइल के अंदर में जा सकते हैं, तो आप जो FRP बाईपास कर सकते हैं इस फाइल के जरिए से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे YouTube पर आ चुके हैं, ठीक है, और YouTube के साइड से हम यहाँ पे Google पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे Google पे जाना है, तो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा, और यहाँ पे हमें जो है अपडेट नहीं करना है इसे, और हमें यहाँ पे जो Google का लिंक टाइप करना है www.google.com, ठीक है। तो हमको किसी भी तरह से किसी भी मोबाइल में अगर बाईपास करना है सैमसंग मोबाइल में, तो हमको गूगल पर जाना ही होगा हर हाल में, ठीक है। और गूगल पर जाने के बाद जो है हमको यहाँ पे जो है एपेक्स लॉन्चर या एल लॉन्चर किसी भी एप्लीकेशन को हम जो है APK को हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे मोबाइल के अंदर में जाने के लिए, तभी जाकर के हम बाईपास कर सकेंगे। यानी आप जिस जिस मोबाइल में जा सकते हैं अंदर में, उन सभी मोबाइल का जो है बाईपास आप कर सकते हैं। उसका एंड्रॉयड वर्जन अगर 8.0 है या 7.0 है या 7.1 है या 7.2 है, कोई भी वर्जन है, सभी उस वर्जन में ये जो FRP रीसेट फाइल है ये सपोर्ट करेगा। बस शर्त ये है कि आपको मोबाइल के अंदर जाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एल लॉन्चर के जरिए से हम इस मोबाइल के अंदर में जा रहे हैं। ये J7 नेक्स है या आपके पास J7 कोर है, जो भी लेटेस्ट फ्लैश फाइल आपके मोबाइल के अंदर में है, या आपने मोबाइल के सिस्टम को डिवाइस को जो है अपडेट कर दिया है, फिर भी जो है ये फाइल आपके इसमें काम करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल के अंदर में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉग एंड सिक्योरिटी पे जाना है आपको, और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है अदर सिक्योरिटी सेटिंग पर जाना है, और अदर सिक्योरिटी सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवाइस एडमिनिस्टर, इस पर आपको जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको इसको डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसी को ही जो है डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। इसे डीएक्टिवेट करने के बाद ही जो है आप मोबाइल का बाईपास कर पाएंगे। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे डीएक्टिवेट कर दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है ऐप में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम ऐप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको बता दूँ यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सो सिस्टम ऐप पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल है मोबाइल में वो सारी की सारी यहाँ पर शो करेगा। तो इनमें से आपको जो है दो
जो एप्लीकेशन को जो है आपको डिसेबल करना होगा, और वो दो एप्लीकेशन ये है, एक है गूगल प्ले सर्विसेज, दूसरा है गूगल प्ले स्टोर। आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विसेज और दूसरा है गूगल प्ले स्टोर, इन दोनों को जो है आपको डिसेबल करना है, ठीक है। तो इन दोनों को डिसेबल करने के बाद ही आपको FRP फाइल जो है मोबाइल में इंस्टॉल करना है, जो कि हमने SD कार्ड में डाला था। तो पहले उस फाइल को इंस्टॉल करने से पहले आपको इन दोनों को जो है आपको डिसेबल करना होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे डिसेबल करके। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है इसे डिसेबल कर दिया है, और दूसरे वाले को भी गूगल प्ले सर्विस को भी इसे भी जो हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे, ठीक है। ये दोनों डिसेबल होने के बाद हमें वापस बैक आना है, और बैक आने के बाद हमने जो अपने SD कार्ड में जो फाइल डाली थी FRP बाईपास फाइल, ठीक है, उस फाइल को हमें इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे SD कार्ड में जा करके, और उस फाइल को जो हमने डाला था उस फाइल को हमें जो यहाँ पे नीचे वाला फाइल आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ओनली ये नीचे वाले फाइल को आपको इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है, और इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आप इस फाइल को सक्सेसफुली इंस्टॉल करेंगे, और इस फाइल को आपको ओपन नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है, ओपन आपको नहीं करना है। इसको आपको यहाँ पे सिर्फ डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे आप इसे डन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वापस आपको जाना है वहीं सेटिंग पर, ठीक है। फिर से सेटिंग पर जाकर के जिन जिन सिस्टम को हमने जो है डिसेबल किया था उन सभी को दोबारा हमें जो है उसे इनेबल करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद हमें यहाँ पे एक अपना नया ईमेल आईडी पासवर्ड डाल देना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी किसी भी जो एप्लीकेशन जिसको हमने डिसेबल किया था उसे अभी हम इनेबल नहीं करेंगे, उससे पहले हमें अकाउंट डालना है यहाँ पे, एक नया अकाउंट, ठीक है। तो आप अपना कोई भी ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके, और इस ईमेल आईडी पासवर्ड को हम डाल देंगे, ये मोबाइल जो है ये डिवाइस एक्सेप्ट कर लेगा इस ईमेल आईडी पासवर्ड को। उसके बाद जो सेटिंग को हमने जो डिसेबल किया था उन सभी सेटिंग को हमें फिर से दोबारा इनेबल करना होगा। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि जो अकाउंट हम यहां पे डाल रहे हैं ये अकाउंट जो है ये सक्सेसफुली ले चुका है। अब हमें आपको यहां पे दिखा दूं, मैं आप यहां पे देख सकते हैं गूगल पे क्लिक करके मैं आप दिखा सकता हूं आपको, यहां पे देख सकते हैं कि जो हमने आईडी डाला है अभी ईमेल आईडी वो ले चुका है ये। अब बैक चलते हैं, बैक जाने के बाद हम फिर से वापस वहीं पर जाएंगे लॉग एंड सिक्योरिटी में, ठीक है। और सबसे पहले लॉग एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद उसके बाद हम यहां पे वापस जो है जहाँ पर हमने आपको दिखाया था अभी अदर सिक्योरिटी सेटिंग, यहाँ पर जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है, इसे हमें फिर से एक्टिवेट करना है, यानी जिन जिन सेटिंग को हमने जो है डीएक्टिवेट किया था डिसेबल किया था उन सबको हमें फिर से दोबारा यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। तो ऐप पे क्लिक करके फिर से हम जाएंगे वहाँ पे सो सिस्टम ऐप पर। उसके बाद गूगल प्ले सर्विसेज और गूगल प्ले स्टोर इन दोनों को जो हमने डिसेबल किया था फिर से हमें जो है इन दोनों को इनेबल करना होगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं दोनों डिसेबल है, चलिए हम इसे फिर से इनेबल यहां पर कर देते हैं। और इनेबल करने के बाद इन दोनों को फिर से मैं आपको आगे बताता हूं कि आपको आगे क्या करना है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सक्सेसफुली जो है ये दोनों जो है इनेबल हो चुका है। बैक आएंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहां पर वॉल्यूम ऑफ से आपको मोबाइल को आपको रिस्टार्ट कर देना है। अब मोबाइल को जब आप रिस्टार्ट कर देंगे उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे जो है सेटअप करना होगा। और सेटअप करने के बाद आपको मोबाइल के अंदर में एक प्रॉब्लम आ जाएगा, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको वीडियो के अंत में आपको दिखा रहा हूँ अभी, कि वो प्रॉब्लम आप जिस मोबाइल को भी FRP बाईपास करेंगे तो अंत में जो है वो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर शो करेगा, दिखाई देगा। तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको स्पीड बढ़ा के यहाँ पे जल्दी जल्दी से आपको यहाँ पे सेटअप करके दिखा रहा हूँ, और मोबाइल के अंदर के अंदर में जाने के बाद, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर में जाने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो प्रॉब्लम इस मोबाइल में होगा उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से वापस दूर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं मांगा जा रहा है, और आसानी से हम मोबाइल का सेटअप कर पा रहे हैं। और जैसे हम अभी मोबाइल के अंदर में जाएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे अभी दिखा दूँ मैं आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम कुछ ही देर में मोबाइल के अंदर में जाने वाले हैं। और जैसे हम इस मोबाइल के अंदर में जा चुके हैं, आप दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मोबाइल के अंदर में जा चुके हैं हम। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर कोने में जो है सबसे ऊपर में यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह का ये प्रॉब्लम है मोबाइल के अंदर में। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम को भी हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वापस जो है सेटिंग में जाना है, और वापस जब आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप में जाना है, और ऐप में जाने के बाद जो एप्लीकेशन जो बाईपास फाइल FRP रिसेट फाइल को हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था अभी, ठीक है, FRP फिक्सेड फाइल को, उस फाइल को हमें जो यहाँ पे जो है उसे जो है क्या कहते हैं अनइंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाइल हमने बाईपास को हमने इंस्टॉल किया था इस मोबाइल में, अब उसे हमें यहाँ पे ऐसे अनइंस्टॉल कर देना होगा। तो जैसे हम इसे अनइंस्टॉल करेंगे, और अनइंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा दूँ स्क्रीन पर, आप कुछ ही देर में देखेंगे कि जो प्रॉब्लम अभी हो रहा है मेरे मोबाइल में जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है,
ये बिलिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये अनइंस्टॉल होने के बाद ये जो है प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम दूर हो चुका है, अब यहाँ पे कोई भी किसी तरह का भी बिलिंग नहीं हो रहा है। अब आप अपना जो है यहाँ से अकाउंट को रिमूव मार सकते हैं या मोबाइल को अंदर से जो है आप हार्ड रिसेट कर सकते हैं, कोई अकाउंट नहीं मांगेगा। दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाई है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।